तो धरती ने हिलने से मना कर दिया। धरती ने कहा कि 4 साल का बच्चा एक पैर पर खड़ा हुआ है और मैं ऐसे में घूम कैसे सकती हूँ। धरती ने अपनी धुरी पर घूमने से मना कर दिया। और जब ध्रुव ने अपनी सांस को रोका दोस्तों, अपनी सांस को रोका, उनने वायु को रोका, तो वायु ने चलने से मना कर दिया। वायु भगवान विष्णु के पास शिकायत लेकर के गए पवन देव। उनने कहा कि प्रभु 4 साल का बच्चा सांस रोक करके खड़ा हुआ है, आप नहीं चलेंगे तो संसार में अनर्थ हो जाएगा, लोगों का जो ध्यान है, लोगों का विश्वास है, वो भगवान के ऊपर से उठ जाएगा, आपको चलना पड़ेगा। उस 4 साल के संकल्प में इतना बल था कि आज की तारीख में भी यदि कोई व्यक्ति अटूट संकल्प लेता है तो हम लोग कहते हैं उसका ध्रुव संकल्प है। उसके अंदर का जो संकल्प है ध्रुव संकल्प, वो जो संकल्प की पराकाष्ठा थी वो यौवन था। वो जो प्रहलाद के अंदर भक्ति थी कि उसके पिता जो शत्रुओं के असुरों के बिल्कुल दैत्य थे और उनके एकदम गुरु थे, तंत्राचार्य थे, अपने आचार्य शुक्राचार्य, उन सबके सम्मिलित प्रयासों के बावजूद जब उनने कहा कि भगवान यहाँ है, उनने कहा हर जगह पर है, खंभे के अंदर है, उनने कहा खंभे के अंदर भी है, और वहां से भक्ति की पराकाष्ठा के रूप में भगवान निकल करके आए। वो प्रहलाद के अंदर जो भक्ति थी वो भी यौवन था। वो जो नचिकेता के अंदर विश्वास था जिसमें उनने अपने पिता को चुनौती दी और यम के सामने जाकर के खड़े हो गए, जिसके आधार पर कठोपनिषद निकल करके आया, वो भी यौवन था। वो जो सुखदेव के अंदर विश्वास था, उनके अंदर जो आत्मज्ञान था, वो भी यौवन था। वो जो वामदेव के अंदर अश्वघोष के अंदर था, वो भी यौवन था। और जो अष्टावक्र के अंदर गर्भ के अंदर बैठ करके ज्ञान आया था, वो भी यौवन था। दोस्तों, वो जो अंदर से निकल करके आता है वो यौवन कहलाता है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो यौवन आप में से प्रत्येक के अंदर दिखाई पड़ता है। उम्र की दृष्टि से आप लोग चाहे कहीं पर भी खड़े हुए हो, पर आपके अंदर जो उमंग, उत्साह, उफान दिखाई पड़ता है, वो एक अद्भुत घटना है। वो मानवता के इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलती। तो आप सबके अंदर बैठे यौवन को भी मैं सलाम करता हूँ, आप सबके अंदर बैठे युवा को भी मैं सलाम करता हूँ। युवा का अर्थ ही प्रवाह से, हम लोग हिंदी में जब बोलते हैं कि युवा का अर्थ क्या है, तो युवा शब्द जिस संस्कृत के शब्द से निकल करके आया है उसका मतलब है गति। जिसके अंदर गतिशीलता हो, क्रियाशीलता हो, आगे बढ़ने का भाव हो, आगे बढ़ने का उत्साह हो, वो युवा कहलाता है। क्योंकि पानी, आप सोचो कल्पना करके, पानी एक जगह पर ठहर जाए तो नाला बन जाता है, बदबू आती है, उसमें कीड़े मकोड़े फैलते हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, और वो पानी यदि बहने लगे तो नदी बन जाता है, प्रपात बन जाता है, अनेकों का कल्याण करता है। वैसे यदि हमारे जीवन में सकारात्मकता आ जाती है, हम आगे को बहने लगते हैं, दूसरों का कल्याण करने लगते हैं।